हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 42 के बारे में, जिसका टॉपिक रहेगा अपना फ्यूचर टेंस। लर्निंग आउटकम्स है, द लर्नर यूज सिंपल फ्यूचर टेंस इन ए कंटेक्स्ट। आपको फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके अलावा अपन अब से पहले 41 वर्कशीट तक कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक वर्कशीट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। लर्निंग हिट्स है, लुक एट द एग्जांपल्स एंड कंप्लीट द वर्कशीट्स। जैसे आई सेल ओपन द विंडो, देखो आई के साथ किसका यूज़ किया गया, सेल का यूज़ किया गया, आई सेल ओपन द विंडो। नेक्स्ट है सी के साथ विल का यूज़ किया गया, सी ए डेंटिस्ट नेक्स्ट मंथ। अब अपने को एक एक्सरसाइज दे रखी है, वो एक्सरसाइज अपने को करनी है। जैसे आई थिंक, मैं सोचता हूँ, रानी पास द एग्जामिनेशन, तो रानी के लिए यहाँ पे लगेगा विल, तो यहाँ अपने को लिखना है विल, तो रानी विल पास द एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट है वी स्पेंड अ फ्यू डेज इन जयपुर, तो वी के साथ आएगा सेल, तो यहाँ अपने को यूज करना है सेल का। नेक्स्ट है लीव द ओल्ड ब्रेड इन द गार्डन, बर्ड्स ईट ईट इट, तो बर्ड्स के साथ आएगा विल। नेक्स्ट है ही बी लेट टुमोरो, अब देखो टुमोरो के किसकी पहचान है, यानी फ्यूचर सिंपल की पहचान है, तो यहां आएगा विल, ही विल। नेक्स्ट है यू बी एट होम दिस इवनिंग, तो विल यू क्या आएगा, विल यू। नेक्स्ट है राम, तो राम के राम यू यू दे रखा है, तो यू के साथ आ जाएगा विल, राम विल यू गो टू स्कूल टुमोरो, यानी यहां पे गो की वर्ब आ जाएगी गो। नेक्स्ट है ईटिंग सैंडविच एवरी डे इज बोरिंग, आई ईट आउट टुडे, तो यहां आ जाएगा सेल, आई के साथ किसका यूज करना है, सेल का यूज करना है, तो आ जाएगा सेल। फिर स्टूडेंट्स प्ले हॉकी मैच टुमोरो, तो विल नॉट, यहां अपने को यूज करना है विल नॉट का, विल नॉट। नेक्स्ट है आई गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, तो यहां जाएगा सेल नॉट, सेल नॉट, यानी आपको सेल नॉट का यूज करना है। नेक्स्ट है द बॉय स्लीप ड्यूरिंग द प्ले ड्यूरिंग द डे, तो आ जाएगा वॉन्ट। यहाँ यूज करना अपने को वॉन्ट का, तो इस तरीके से सेल और विल का यूज करना है। अब हिंट्स दे रखा है, जैसे आई और वी सब्जेक्ट होता है तो अपने साथ क्या लगाया जाता है, सेल लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट होता है ही सी इट यू एंड नाउंस होता है तो विल का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इनको सेल और विल का यूज करना है। आई होप आपको सेल और विल का यूज करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई वी सब्जेक्ट होता है तो सेल, बाकी सभी अदर सब्जेक्ट के साथ में विल लगाया जाता है। थैंक यू।